और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने को कहा है, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जब भी दरोगा के पास जाओ तो 5-6 लोग एक साथ जाओ, पीला गमछा लगा के जाओ और जब थाने पर पहुंचोगे तो दरोगा को सभी लोगों की शक्ल में ओपी राजभर दिखेगा और कौन दरोगा हमारी बात नहीं सुनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजभर पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस के खिलाफ उकसा चुके हैं। पांच छह लोग पीर का साबा लगाने पहुंच जाओ दरोगा की, अकेले जाना बंद करो आप लोग, ठीक है ना? पांच छह लोग आठ लोग क्यों हो तो वहां जाओगे तो सबकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा को दिखेगा। हम एक कह दें पोखते हैं तो पूरा प्रदेश गिर जाता है। तो पांच छह लोग पीर का साबा लगाने पहुंच जाओ दरोगा की, अकेले जाना बंद करो आप लोग, ठीक है ना? पांच छह लोग आठ लोग क्यों हो तो वहां जाओगे तो सबकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा को दिखे। हम एक कह दें पोखते हैं तो पूरा प्रदेश गिर जाता है। अपने बयानों को लेकर लगातार विवाद में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने इस बार अजीब सा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीला गमछा पहनकर अब थानों में जाइए, थानों में सबको ओम प्रकाश राजभर ही नजर आएंगे। इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह के बयान दिए थे और उनके कुछ कार्यकर्ता थानों में पहुंच गए थे, लेकिन कानून उनके खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो लोग वहां से निकल लिए थे। लगातार विवादों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उनके बयान लगातार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो लीक से हटकर चलने के चक्कर में कई बार खाई की तरफ जाते हुए दिखते हैं। और समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर के बयान पर पलटवार कर दिया है। एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर इस तरह के बयान दे चुके हैं। उनके कार्यकर्ता थाने में पहुंच गए थे और उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। और पहले उनकी बातों में आगे कुछ लोग पीला गमछा लगा के चले गए थे, उनकी क्या दुर्गति हुई, कितना उनको गालियां पड़ी, कितना अपमानित होना पड़ा, तो हम तो उन्हें राय देंगे कि पहले मुख्यमंत्री से और प्रशासन से बात पुख्ता कर लें अपने गमछे के बारे में। कार्यकर्ताओं को क्यों अपमानित कराना? पर उनको ज्यादा बोलने की बीमारी है और बेचारे कार्यकर्ता जो विश्वास करते हैं उन्हें अपमानित होना पड़ता है।